आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए इस ब्लॉग में। नया दिन, नया सवेरा और नई जिंदगानी, बहुत सारी अच्छी अच्छी सोच लेकर के हम हाजिर हैं। तो साथियों, मैं ऑफिस के निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाऊंगी। ऑफिस से आ करके आपसे मिलूंगी और आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। ये देखिए, कॉर्नर में जितने बेडशीट्स वगैरह थे, रात में वीडियो एडिट वगैरह करते करते इतनी ज्यादा देर हो गई थी, रात को 11:30 बज गए थे, तो इसकी वजह से मैं अभी इसको कबर्ड में रख नहीं पाई हूँ। अलग अलग मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ऑफिस से जब आऊंगी 12 बजे, उसके बाद मैं ये सारे अलग अलग कबर्ड में रखूंगी, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। अब चलते हैं ना ऑफिस, चलिए मेरे साथ। आज फिर गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, बहुत दूर, तकरीबन मुझे लगता है कि 50 मीटर तो मुझे अभी वॉक करना ही पड़ेगा, बिल्कुल आउटर गेट पे। आज तो चलते चलते मैं थक जाने वाली हूँ कि ये देखिए सन्नाटे वाली सड़क, और सिर्फ सन्नाटे में डॉग्स की आवाज़ आती है दूर दूर से, भौं 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 भौं। एक अगर आवाज़ देता है ना तो चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से आवाज़ उनकी आने लगती है। तो इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया है, पर कितनी देर तक मैं कैमरा ऑन रखूँगी। अब मैं पहुंची हूँ जाके अपनी गाड़ी के पास में। एक्चुअली कचरा होता है ना इकट्ठा, जैसे ही आप गेट खोलते हो वैसे ही एक दो मच्छर घुस जाते हैं, और वो इतना परेशान करते हैं, इतनी इरिटेशन होती है और डर लगा रहता है। देखिए, एक मच्छर जैसे गेट मैंने खोला ये अंदर दिख रहा है। ऑफिस पहुंचने के बाद सिर्फ एक काम नहीं होता है, जब यहाँ हम अपनी हाजिरी लगा देते हैं, उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं, उसके बाद हमें स्टूडियो में जाना होता है। तो देखिए, इसके लिए भी अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं जहाँ हमें जाना होता है। पता नहीं, आ ही नहीं रहा है, मेरा चेहरा नहीं आ रहा है इसको, मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। आ गया चेहरा पसंद, बहुत टाइम लगा दिया इसमें। तो यहाँ तो हमारे अंगूठा लगाने या उंगली लगाने के पहले बायोमेट्रिक है, एक्चुअली हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं उंगली का। तो इसी में कम से कम ऑफिस पहुँचने के बाद कम से कम 10 मिनट इसमें लग जाता है, इधर भागो उधर भागो। अब स्टूडियो में एंट्री हो रही है मेरी, और अब इसके बाद आपसे होगी मुलाकात जब मेरी पूरी ड्यूटी हो जाएगी खत्म। ओके, दिन के 12:30 बज गए थे, ऑफिस से मैं घर आ गई थी। आते आते मैंने जब ये फिश को देखा तो इसके जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, मैंने कहा इसके बारे में आपको बता देते हैं, ये नेचुरल प्लांट्स हैं और इसे अपने हाथ से हम लगाते हैं और ऑर्गेनिक सारा कुछ रहता है। और आते ही मैं काम में जुट गई, क्योंकि सुबह सुबह आपसे मैं कह के गई थी ना कि कॉर्नर में सारे सामान जो रखे हुए हैं, बेडशीट्स वगैरह, तो उसे अलग अलग करके, जो डेली वाले यूज़ वाले हैं वो अलग, ओकेजन वाले हैं वो अलग, और फेस्टिवल वाले हैं अलग, अलग अलग ड्रॉर में मैंने रख दिया। जो फेस्टिवल वगैरह में जो नए वाले हैं उन्हें मैं यूज़ करती हूँ हर बार चेंज करके। तो पहले यहाँ मैंने डेली यूज़ वाला रखा, उसके बाद दूसरे ड्रॉर में, इस वाले कमरे में ये 4 ड्रॉर हैं तो यहीं पे सारे बेडशीट्स वगैरह रखे रहते हैं। एक में कर्टेन सारे डाल दिए हैं जो एक्स्ट्रा हैं, एक में डेली यूज़ वाले बेडशीट्स हैं, एक में कुशन कवर्स हैं सारे, और दूसरे एक है जिसमें कि किसी ओकेजन पे कोई ख़ास नई चादर वगैरह बिछाना होता है, मतलब कम यूज़ वाला, तो वो बिछाती हूँ। और अब यहाँ आ गई थी मैं, इस वाले कबर्ड में मैं वो वाले सारे रख रही थी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और फेस्टिवल्स वगैरह के लिए जिसको मैं यूज़ करती हूँ उसमें निकालूंगी। तो यहाँ पे लाके मैंने वो सारे रखे, कुशन कवर वगैरह जो था सब कुछ टोटल मैंने यहाँ पे रख दिया। तो हमारे 4 कबर्ड यूज़ हो गए, और इस तरीके से मैंने सारा सामान यहाँ ला करके रख दिया। अब ये वाला जो जगह है ये कम यूज़ होता है, ये कमरा ही कम यूज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर रूम भी है, छोटी बेटी का रौनक का कमरा है, पूजा घर भी है, तो यहाँ पे वो सामान सारा रखा रहता है जिससे कि कम आना जाना हो इस कमरे में, धूल उल कम आती है।
तो इस तरीके से मैंने आते ही एक काम में मैं लग गई। और ये जो चादर है, ये वाली चादर जो है ये गंदी थी, रात में कवर करके रखा था, तो मैंने साइड में रख दिया कि इसे अब वॉशिंग मशीन में डालूंगी धोने के लिए। अब इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने थे, तो ये देख लीजिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है। बहुत ईजली ये कबर्ड खुल भी जाता है और यहाँ से कपड़े जब निकालने हैं और दिखते रहते हैं, क्योंकि ग्लास टोटल लगा हुआ है ना, इसलिए। अब साथियों, मैं कपड़ा चेंज करके आ गई हूँ, आके बैठ गई हूँ पलंग पे, थोड़ी देर आराम करूँगी। 2 बज चुके हैं और वो आते आते बगैर कपड़े चेंज किए वो सामान इसलिए हटा दिए क्योंकि सफाई कर रही थी सावित्री, और वो कॉर्नर में पड़ा रहता है तो वहाँ ढंग से सफाई नहीं हो पाती, तो इसलिए बगैर कपड़े चेंज किए मैंने जलेली वो रख दिया। अब 2 बजे हैं, सबके खाना खाने का टाइम हो गया लंच का, तो फुलके बनेंगे तो मम्मी को पहले खाना दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम दोनों भी खाएंगे। इस वक्त तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब शाम हो जाने की वजह से कर्टन वगैरह जो है वो ठीक कर दिया मैंने। इस वक्त शाम के कितने बजे हैं, कहाँ गया मेरा मोबाइल, चार्ज पे लगा था लखनऊ, हाँ वहाँ पे बना लेंगे, और सत्तू की रोटी वगैरह तो बना के मैं दिखा सकती हूँ। अभी ये देखिए कुछ अरेंजमेंट हो तो रहा है स्पेशल, नहीं वो तो आमटी बना रहे हैं महाराष्ट्र, अच्छा कोशिश करते हैं। अच्छा लगता है अब धीरे धीरे कमल जो है कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और रिटायरमेंट लाइफ जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब मूड होता है तो आकर किचन में कुछ कुछ नया नया बनाते हैं, सीखते रहते हैं, वरना अभी तक तो इनको एक अंडा भी नहीं उबालने आता था। चाय तो मेरी छोटी सिस्टर ने इन्हें ठोक पीट के सिखा दिया था बनाना, पर कभी आज तक इन्होंने चाय ऐसी बनाई नहीं है। ये देखिए साथियों, ये मैंने एक शूज़ मंगवाया है, ये नीमंस कंपनी देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक जो होते हैं ना, जितनी मुझे जानकारी मिली है कि 5 बॉटल को जो डिस्ट्रॉय होते हैं उस 5 बॉटल से रिसाइकल करके ये शूज़ एक शूज़ बनता है, और ये बिल्कुल प्रमोशनल कोई वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने अपने लिए मंगवाया ये, और बहुत ही कम्फर्टेबल है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पहन के भी देखा, तो इसमें कुछ भी चमड़े वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक से ये बना हुआ है, और ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को मदद भी मिलती है। तो मैंने जब देखा, पढ़ा, इसके बारे में जानकारी ली, तो मैंने भी सोचा कि रंग अच्छा लग रहा था, एक पेयर मंगवा लिया। ये देखिए मेरी फ़ोटो आ रही है, देख रहे हैं 6:04 हुए हैं मात्र, और इतना ज़्यादा घना वाला अंधेरा हो गया। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, शाम होती 5:30 अंधेरा हो जाता है। छोटे मोटे वही सारा काम ख़त्म करके दिन भर वो जो शूज़ आपको दिखाया वो मंगवाया था, और छोटे छोटे एक दो ट्रिप हैं जो इस महीने में 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है फिर से हमें, और फिर उसके बाद दिसंबर में के शुरू में जाना है। कहाँ कहाँ जाना है, जब जाऊँगी तब आप सबको बताऊँगी। पर आज जिसे ऑफिस से जब आई थी तो उस टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लग रहा था कि वापस फिर से समर सीजन जो है वो वापस आ गया है, लेकिन जब मैं यहाँ पे लेटी आके फ़ैन चला के तो मुझे ठंड लगने लगी, तो पहली बार आज इतने दिनों में मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है और मुझे ठंड नहीं लग रही है, पर नीचे मैंने शॉर्ट्स ही डाला हुआ है अभी भी, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद तो बहुत गर्मी थी तो शॉर्ट्स डाला हुआ है। रात में फिर नाइट सूट डाल लूँगी मैं, तो अब इसके बाद का थोड़ा काम वाम है, अभी रात का खाना होना बनेगा, सब कुछ देखेंगे, लेकिन एक सफिशिएंट जहाँ तक मेरा वीडियो होता है उतना वीडियो पूरा हो चुका है मेरा, ऐसा मुझे अंदाज़ा हो रहा है। पहले एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद अगर कुछ शूट किया तो वो कल के लिए रख दूँगी अभी, ठीक है ना। पर अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं, कल आपसे होगी मुलाकात 11 बजे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए। अब रात भर के लिए जुदा हो जाते हैं, कल सुबह 11 बजे आपसे मिलते हैं। गुड नाइट, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।